हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं ससुराल से मायके, फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा मायके और इनका ससुराल, और मैं आपके साथ सारी मस्ती सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम मायके जा रही थी, तो मेरी सासू मम्मी ने मेरे को बड़े प्यार से मेहंदी, आलता, सारा 16 सिंगार लेके भेजा था मेरे को। पर मेहंदी लगाएगा कौन, क्योंकि बहुत सडनली मेरा प्रोग्राम बना था मायके आने का, और मेरे पास पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो एक हाथ में तो मैंने लगाया और दूसरे हाथ में इन्होंने अपना कारीगरी दिखा दिया। अब मैं आपको लास्ट में हम दोनों की मेहंदी दिखाऊंगी, अब मेरे को बताना किसकी अच्छी लगी। वैसे आप इनकी मेहंदी देख ही रहे हो, दोनों हाथ से कितने आराम से लगा रहे। मैं लगाता हूं। सीरियसली फ्रेंड, ऐसा डिजाइन तो मैं आज तक नहीं देखी। ओ माय गॉड। और मेहंदी नहीं, इन्होंने मेरे को नेल पेंट भी लगाया, पर नेल पेंट इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा लगाया। वैसे आप, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम दोनों की मेहंदी, आप मेरे को बताओ कि किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी बनी है। और आपने इस मेहंदी में कुछ नोटिस करा, और नोटिस करा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ क्या नोटिस करा। वैसे ना, मेरी मेहंदी से ज़्यादा अच्छा इनका टैटू लग रहा था, सीरियसली। और मेरे को मेहंदी लगाने के चक्कर में इनका हाथ भी मेहंदी से पूरा रेड रेड हो गया। जब मैंने खुद से अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो मैंने इनका नाम बहुत ही प्यार से लिखा था, रोहित। और जब इन्होंने मेहंदी लगाई, तो इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ करा, मेरा नाम पहले और अपना नाम बाद में रखा, जो कि सच में हार्ट टच था। हमारी मेहंदी तो हो गई कंप्लीट जी। अब आप बताना दोनों में से किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी थी। अब बारी आती है नेल पेंट की, और इन्होंने नेल पेंट इतने अच्छे से लगाया था, मतलब मेहंदी तो चलो ठीक है जैसे तैसे लगा लिया, पर नेल पेंट मतलब वाव, इतनी फिनिशिंग से मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। और बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि पूरे हाथ में भर दिया, रेड लिया, पिंक लिया, इन्होंने ब्लैक कलर लिया। और वैसे तो ये आपको बहुत सुंदर लग रहा है, पर आपने नोटिस करा होगा जब मैं आ रही थी तो ये ब्लैक रेड हो चुका था, क्योंकि मम्मी ने बोला शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही है और ब्लैक लगा लिया, और मम्मी ने पूरे में रेड करवा दिया। पर ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। कैसे लगे? हाँ जी, तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि मेरा मायके कहाँ है। ससुराल तो पता है कि दिल्ली है, मायके मेरा छत्तीसगढ़ है, जो कि बहुत ही प्यारा जगह है। ये मेरे हस्बैंड का फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रैवल है, और ये चाहते थे कि ये ट्रेन की सारी जर्नी इन्जॉय करें। ट्रेन जो है बहुत लंबी है, दिल्ली टू छत्तीसगढ़ करीबन 23 से 24 घंटे ले लेती है। आप मेरे को ट्रेन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी है, लोकेशन मैं आपको सारी शेयर करते रहूँगी। और उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। जब भी ट्रेन ट्रेवल की बात आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है खाना। भाई हमारे तो खाना ही आता है, और हमने घर से बहुत सारा खाना वगैरह पैक कराया था, जो कि हम सारा खत्म कर चुके हैं, और अब ये बाहर से ले लिए। एक बाइट खा लो फिर दे देना। अच्छा, हर चीज में एक बाइट है? एक से मैंने बोला एक बाइट खा लो फिर मेरे को दे देना। अरे व्हाट इज दिस, सैंडविच है? वी कैन शेयर बेबी। एक ये तो और कुछ नहीं है। हम लोग क्या क्या टच कर लिए, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। तो एक बाइट खुद ही खा दो, पहले एक खाते लो। मैं आधा कर दूँगा फिर। टूट जाएगा वो। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं खा सकते इसको। ट्रेन के स्टेशन में 10 मिनट के लिए रुकी थी, और ये देखो, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कहीं पर स्टेशन में ट्रेन रुकी और बैठ जाएं। ये स्टेशन में उतर के मेरे लिए फूल लेके आए, और कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं स्टेशन में ट्रेन रुकी है और ये ट्रेन में बैठे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अब शाम होने को है और ये जो सनसेट का व्यू है ना, मेरा तो फेवरेट है। और अगर ये ट्रेन में मिल जाए, मतलब वाओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किसको किसको सनसेट पसंद है। हमारा तो पेट पूजा भी हो गया। और ये ट्रेन की जर्नी इतनी लंबी है कि मतलब बस ये बोल रहे थे कि भाई मेरा तो ट्रेन का शौक हो गया ख़त्म, अब मैं नहीं आ रहा। और जब भी ये खाली बैठे रहते हैं ना, बस इनका तो जैसे गेम ही हो गया मेरे बिच्छा के साथ खेलना। हमेशा मेरे बिच्छा बस अराउंड करते रहेंगे, उंगली को मोड़ते रहेंगे, पता नहीं इनको इसमें क्या मजा आता है। अब रात हो चुकी है और ये हमारी रात में भी ट्रेन में मस्ती चालू। इनको तो नींद आ नहीं रहा था ट्रेन में, और मेरे को लग रहा था भगवान किसी का नींद मत टूट जाए। ना ये खुद सो रहे थे, ना मेरे को सो रहे थे, रात भर बस ऐसी मस्ती चल रही थी। अब आते हैं वो लोग जो लोग कहते हैं भाई लड़के तो मेकअप करते ही नहीं, लड़के तो तैयार होते ही नहीं है। मेरे को भी कुछ ऐसे ही लग रहा था, पर मैं आपको ये क्यों देखा देख के खुद ही शॉक्ड हो गई थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अगर आपने हमारी शादी की वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस करा होगा कि बिना मेकअप के ही शादी में पहुंच गए थे। और नहीं देखी तो जल्दी देखिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे हम लड़कियों को एक्साइटमेंट होता है ना कि हम लोग ससुराल जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो सब हम लोग को देखेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, शायद वैसा एक्साइटमेंट इनको भी हो रहा होगा कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरे को सब देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। पर सच बताऊँ तो मैंने इस बार बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा था, क्योंकि मैं तो अपने मायके ही आ रही थी ना। ससुराल जाऊँगी तब अच्छे से बन ठन के जाऊँगी। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके किसके हस्बैंड ऐसे हैं जो मेकअप तो नहीं करते, पर जब वो ससुराल जाते हैं अपने, तो वो बिल्कुल एकदम टिप टॉप होना चाहिए, बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए, शेव होनी चाहिए दाढ़ी। और ये देखो मेरे जनाब हो गए एकदम रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। जी बिना चमका रखे हो ना। मेरे को ना सच में इनके साथ एकदम काम वाली बाई वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल सेट थे और मैं एकदम ऐसे उठ पुट के जैसे चल दिए। और ये हम पहुंच चुके हैं मेरे मायके और इनके ससुराल। मम्मी आती की थाली लेके गेट पे हमारे वेलकम के लिए खड़ी थी, और मम्मी हमारा बहुत अच्छे से प्यारे से आरती उतार के हमारा वेलकम कर रही थी। और ये तो इतना शर्मा रहे थे, बस इधर उधर इधर उधर। और अब लास्ट में मैं आप लोग के साथ हमारा फर्स्ट लुक शेयर कर रही हूँ। मेरे घर पहुँचने के बाद मैंने इनको कुर्ता पहनाया था और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि हमारा लुक कैसा लग रहा है। I'm not afraid to die.